तो शिक्षा का बहुत बड़ा असर है। आजादी से पहले आप देख सकते हो समाज की क्या हालत थी, और आजादी के बाद आज आप देख सकते हो कि शिक्षा से समाज में कितना परिवर्तन आया है। तो शिक्षा से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उससे पहले सहयोग से हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा परिवर्तन आता, हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता। और जब हम कहीं यात्रा पर निकलते हैं, हम स्थान परिवर्तन करते हैं, तो उसका भी हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होता है। हमारा मन खुलता है, हमारा मन विशाल होता है, हमारा मन बड़ा होता है, हमारे देखने का समझने का नजरिया बदल जाता है, हमारा देखने का समझने का नजरिया बदल जाता है। क्यों बदलता है? कि यात्रा में हम जब यात्रा करते हैं तो तरह तरह के लोग हमसे को मिलते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग मिलते हैं, हम चीजों को नए प्रकार से देखना शुरू करते हैं, हम चीजों को नई तरह से देखना चालू करते हैं, उनको देखने लगते हैं, और नए नए काम हम सीखते हैं। वहां पर जो लोग मिलते हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे होते, वो भी काम कर रहे होते हैं, हम भी काम करते हैं, हम काम किसी तरह से करते हैं, वो किसी और तरह से करते हैं, तो नई तरह से काम हमको सीखने को मिलते हैं। वहां पर हम नए नए प्रकार से काम करना सीखते हैं, हमें तरह तरह की कृतियों का एहसास होता है, वहां तरह तरह की कृतियां हमको मिलती हैं देखने के लिए, उसका हमें अनुभव होता है, हमें एहसास होता है। हम सोचते हैं कि ये हमारा ही एकमात्र तरीका नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं इस काम को पूरा करने का हमारा ही तरीका नहीं है, ये और भी तरीका हो सकता है, आप किसी और तरह से कर सकते हो, मैं किसी और तरह से कर सकता हूं, तीसरा व्यक्ति और किसी तरह से कर सकता है, अपना अपना तरीका है काम करने का, लेकिन हमारा ही तरीका सही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अन्य का भी गलत है ये सवाल पैदा नहीं होता, वो काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं। यात्रा से हमारी विशालता बढ़ती है, यात्रा से हमारी समझ की विशालता बढ़ती है। अगर हम यात्रा करें तो चीजों को हम स्थानीय या विदेशी के रूप में नहीं देखते। हमारे साथ ही बहुत इधर शिविर करने आते हैं, हम साउथ में शिविर करने जाते हैं, वहां किसी और तरह से काम होता है, हम किसी और तरह से काम हो करते हैं यहाँ पर, लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हम इनका गलत है सही तरीका, हमारा गलत हमारा तरीका सही है, इसमें हम नहीं देखते, और ना ही हम ये देखते हैं कि ये यहाँ का है कि ये वहां का है, इस तरह से भी नहीं देखते। काम सभी कर रहे हैं, ध्यान सभी कर रहे हैं, वहां जो काम आता है हमारे सामने उसको सब करते, तो वहां पर हम स्थानीय विदेशी के रूप में नहीं देखते, बल्कि क्या देखते हैं, हमारा एक मनुष्य का दृश्य कौन होता है, हम एक मानव के रूप में वहां पर देखते, हम किसी समुदाय विशेष के या कास्ट विशेष के रूप में नहीं देखते या स्थान विशेष के रूप में नहीं देखते। इस प्रकार से हमारा कुछ जो है और अन्य चीजों से भी परिचय होता है, क्या होता है, हम तरह तरह की प्रथाओं से परिचित होते हैं। जब मैं पहली बार गया था तो पोहा मैं नहीं जानता था, मेरे यहाँ पोहा बनता ही नहीं था, और जब मैं उधर गया तो मुझे पोहा खाने मिला, नई चीज मिल गई। तो इस तरह से हम नई नई चीजों से परिचित होते हैं, नई नई प्रथाओं से परिचित होते हैं, नए नए खाद्य पदार्थों से परिचित होते हैं, अन्य बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम परिचित होते हैं।
इस प्रकार यात्रा से हमारे मन की विशालता बढ़ती है, यात्रा से हमारे मन की विशालता बढ़ती है। सोचिए कि अगर हम दुनिया की यात्रा करें तो हमारे मन की विशालता कितनी बढ़ेगी। अभी तो हम सिर्फ भारत के एक कोने में ही घूम रहे हैं, हम जाए जाते यहां से पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र तक पहुंच जाते हैं, जाए बिहार तक पहुंच जाते हैं, या भारत के किसी और कोने में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब विदेशों की यात्रा करेंगे तो फिर हमारी कैसी विशालता होगी, और ज्यादा बढ़ेगी। विभिन्न प्रकार की जीवन पद्धति हमको देखने को मिलेगी, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा देखने को मिलेगी, बहुत सारे रीति रिवाज देखने को मिलेंगे, उनसे हम परिचित होंगे। भले ही ये रीति रिवाज, वेशभूषा या जीवन पद्धति, खान पान अलग हों, मगर वे हमारी तरह ही मानव प्राणी, वो भी हमारी तरह ही मानव प्राणी। जब मैं पहली बार अंडमान निकोबार गया था और जब वहां पर जारवा आदिवासियों को देखा, जो अक्सर ज्यादातर नंगे ही रहते, उनका बदन ज्यादातर खुला ही रहता है, तो उसका यात्रा का मेरा अलग ही अनुभव रहा। जो अनुभव था वो आश्चर्यजनक था कि ये लोग इस तरह से कैसे रह लेते हैं और जंगलों में कैसे रह लेते हैं। तो वहां पर ये मेरा बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव था। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। अगर मैं वहां की यात्रा न करता तो ये अनुभव नहीं होता, मुझे नहीं पता चलता कि जारवा जाति भी कोई होती है। सोचिए अगर हम अपना संपूर्ण जीवन एक छोटे से घर में बता दें या एक छोटे से गांव में बिताएं, तब हमें इसका एहसास ही नहीं होगा कि हम बाहर क्या चल रहा है। और बहुत से अगर हम गांव में जाते हैं, जो लोग गांव से नहीं निकले वास्तव में उनको कुछ पता नहीं होता, उनका सब कुछ पूरा जीवन ही वो गांव ही होता है, गांव से वो निकल नहीं पाते। वही एकमात्र साधन होंगे, वही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हम वहां पर क्या करते हैं, हम दूसरों के हीनता की दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार हमारा दृष्टिकोण बदलता है, बनता है, पक्का होता है। जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं यही है, ऐसा ही है, और इस प्रकार हमारा दृष्टिकोण बनता जाता है, पक्का होता जाता है। हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, कूप मंडूक की तरह हो जाती है। एक समुद्र का मेंढक एक कुएं के किनारे पर आ गया और एक कुएं में मेंढक था, वो बोला कि भाई क्या है, तू कहाँ है। अरे का बाहर आ देख कितना बड़ा समुद्र है। कि कितना बड़ा समुद्र है, मेरे कुएं से बड़ा थोड़ी होगा। कि नहीं तेरे कुएं से बहुत बड़ा है। कि कितना बड़ा है, कि बहुत बड़ा है। उसने एक चक्कर लगाया कि इतना बड़ा है, कि नहीं इससे भी बड़ा है। उसने दो चक्कर लगाए कि इससे बड़ा है, कि नहीं इससे बड़ा है। कि उसने 10 चक्कर लगाए कि इससे बड़ा, अरे कि इससे भी बहुत बड़ा है, कि जा भाग जाए यहां से, तेरा समुद्र कुछ भी नहीं है। तो हमारा दृष्टिकोण कुछ ऐसा हो जाता है, हम जो है कूप मंडूक की तरह काम करते रहते हैं। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने कभी कोई यात्रा नहीं की वह कुएं के मेंढक जैसा हो जाता है, परिवर्तन उसका नहीं होता, उसका दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित होता है, बहुत ही छोटा होता, बहुत ही संकीर्ण होता है। उसका गांव ही उसके लिए संपूर्ण विश्व है। इस प्रकार यात्रा हमारे मानसिक दृष्टिकोण को ऊपर उठने में हमारी मदद करती है। भाई और बहनों, बाबा साहब के बारे में हम देखते हैं कि जब वे काफी युवा थे तब उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी यहाँ की यात्रा की और काफी समय उन्होंने बिताया, क्योंकि वहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। यह एक कारण था कि उनका दृष्टिकोण इतना विशाल था, वे चीजों को वैश्विक दृष्टि से देखते थे, स्थानीय दृष्टि से नहीं देखते थे।
वो वैश्विक दृष्टि से देखते थे कि विदेशों में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे श्रीलंका गए, बर्मा गए, नेपाल भी गए, ताकि वो देख सकें कि इन बौद्ध देशों में बौद्ध आचरण कैसे किया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यात्रा से हमारा परिवर्तन हो सकता है, यात्रा से हमारा परिवर्तन हो सकता है। एक और अन्य ऐसी चीज है जो हमारे स्वयं के जीवन परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन ला सकती है, और वो है शिक्षा। पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, याद करना या केवल डिग्रियां हासिल करना ही शिक्षित होना नहीं, ऐसा नहीं है। प्रामाणिकता से ज्ञान की वृद्धि करना, जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया को समझना, उस तरह की संपूर्ण मानव जाति की और स्वयं की जागृति रखना या शिक्षित होना, यह एक उदाहरण है। हम एक उदाहरण के तौर पर इतिहास को ही लेते हैं, जो हमें सभी को पढ़ना पड़ता है। आज भी हम इतिहास ही पढ़ रहे हैं ये बैठे बैठे, क्योंकि ये सारा का सारा धम्म हमारा गायब हो गया था, पुराना है लेकिन हमारे पास नहीं था। बाबा साहब हमको दे गए, बंते जी ने हमको पढ़ा दिया, तो उसको हम देख रहे हैं। तो इतिहास में मात्र तारीखें याद करना नहीं होता, विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करना ही नहीं होता, महान ऐतिहासिक घटनाओं, जो महान ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक लाखों लोगों की जीवन शैली को बनाने में मदद की है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ले लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, कितना बड़ी सभ्यता थी जो आज हमारे सामने नहीं है। उन प्रसंगों को हम जान रहे हैं खुदाई से, बहुत सारे प्रसंगों को जान रहे हैं, जहां जमीन खोदते हैं बुद्ध निकलते हैं, ये प्रसंग जान रहे हैं। तो ये इतिहास है हमारा, उन प्रसंगों को जान लेना, वैसे उन घटनाओं का हमारे जीवन पर आज भी किस प्रकार प्रभाव हो रहा है, उन घटनाओं का आज भी हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव हो रहा है, किस तरह से प्रभाव हो रहा है, कैसे वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, इसको गहराई तक समझ लेना। यात्रा में हम स्थलों में और शिक्षा से हमें कला में विचरण करने योग्य बनाते हैं। यात्रा से हमारा क्या होता है कि हम विचरण करने योग्य बनते हैं, स्थलों को हम देखते हैं, वहां की जो शिक्षा है हमें वहां की कला से परिचित कराती है, और उसको हम देखते हैं, उसके योग्य बनते हैं। यात्रा से हम भौतिक जगत के बारे में खुले होते हैं। यात्रा से हम क्या करते हैं, हम भौतिक जगत के बारे में खुले होते हैं। भूतकाल में लोगों ने क्या कार्य किए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने कौन सी उथल पुथल की, इसका ज्ञान हमें शिक्षा के द्वारा होता है। उनके आचार विचार के बारे में उन्होंने क्या अनुभव किया, उसके बारे में हम सीखते हैं, और इस प्रकार उनके अनुभव के हम हिस्सेदार बन जाते हैं। सोचिए आज हम जिस धम्म को पढ़ रहे हैं, बुद्ध ने आज से तकरीबन 2600 साल पहले कहा था, और उस धम्म को आज पढ़ रहे हैं, तो उस अनुभव को आज हम सीख रहे हैं, और इस प्रकार उनके अनुभव जो बुद्ध ने वहां पर अनुभव लिए थे, उनके अनुभव के हम क्या बन रहे हैं, हिस्सेदार बन रहे हैं। इस प्रकार शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें स्वयं को परिवर्तन करने में मदद करती है। शिक्षा से हम परिवर्तित हो सकते, यह बात हम बाबा साहब के जीवन में देखते। बाबा साहब भी ऐसे ही परिवर्तित हुए थे। बाबा साहब एक उच्चतम शिक्षित व्यक्ति थे, उस समय उच्चतम शिक्षित भारतीयों में से एक थे, और राजनीति के तो वो सर्वोच्च ज्ञाता थे, महान पंडित थे राजनीति के। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी
जर्मनी में पढ़ाई की थी, वास्तव में शिक्षा के लिए वे इन देशों में गए थे, इसलिए उनका दृष्टिकोण बहुत विशाल था। जो वहां का कल्चर था उससे जब परिचित हुए तो उनका सोचने का समझने का नजरिया ही बदल गया, उनका ज्ञान अपरिमित हो गया, उनका ज्ञान अपरिमित था, उनकी समझ बहुत गहरी थी, बहुत अथाह थी, जिसकी कोई था नहीं थी, उनके बराबर चिंतन वाला व्यक्ति कोई नहीं था। मात्र शिक्षा ही हमारे जीवन को परिवर्तित करती है ऐसा नहीं है, अन्य ऐसी बातें भी हैं जो शिक्षा से भी अधिक मदद कर सकती हैं, शिक्षा से भी अधिक मदद कर सकती हैं, वे हमारे विकास और प्रगति में सहायक हो सकती हैं, हमें उत्तम पुरुष बना सकती हैं, हमें उत्तम मनुष्य बना सकती हैं, हमें संपूर्ण मानव की ओर बढ़ा सकती हैं। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं, पहली बात है हम अगर अपना परिवर्तन चाहते हैं, वास्तव में हम बुद्ध धर्म की तरफ जाना चाहते हैं, तो पहला धम्म कार्य में सहयोग करने से हम परिवर्तित हो सकते हैं। धम्म कार्य में हमको सहयोग करना चाहिए, धम्म कार्य में सहयोग करने से हम परिवर्तित हो सकते हैं। मात्र प्रवचन सुनने से हम बदल सकते हैं, जो बातें इसमें पूर्व आपने नहीं सुनी वास्तविकता ही है। जब हम पहली बार इधर आए थे, हम भी पढ़ रहे थे, उससे पहले काफी हमने दम पड़ा था, लेकिन जो बातें हमें तीर्थ बोध महासंघ में आके मिली हमको नहीं मिली कहीं भी, तो बहुत सारी बातें हमको नहीं मिलती, तो हम उससे बदल सकते हैं। इससे पूर्व हमने नहीं सुनी ऐसी बातें सुनने से हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है, इससे आप चीजों को नए ढंग से देखना समझना सीख सकते हैं, आप कोई नई कृति कर सकते हैं, कुछ न कुछ नया कर सकते हैं, और कालांतर में आपका संपूर्ण अस्तित्व ही बदल सकता है। किसी विचार को प्रवचन को ध्यान पूर्वक सुनने से भी आप बदल सकते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में अनेक ऐसी कहानियां हैं कि भगवान बुद्ध ने कुछ कहा और मनुष्य परिवर्तित हो गए। अंगुलिमाल की कहानी ले लिया आपके सामने, एक क्रूर डाकू और भगवान बुद्ध ने कुछ ही शब्द उसके सामने कहे थे, उसने हथियार फेंक दिया, तलवार फेंक दी, माला फेंक दी और भगवान बुद्ध की शरणागत हो गया, परिवर्तन आ गया उसके अंदर और वो क्या हुआ, भिक्कू बन गया, और भिक्कू बनने के बाद कालांतर में वो जो है निर्वाण को प्राप्त हो गया, और वह बुद्ध के चंद शब्द सुनकर हुआ, सिर्फ चंद शब्द सुन के हो गया था। इस तरह आप सहयोग कर स्वयं को बदल सकते हैं, यह मात्र शब्द सुनने तक ही सीमित नहीं है, कार्यक्रमों का आयोजन आप कर सकते हैं, आप में परिवर्तन हो सकता है, सहयोग कर सकते हैं, उसमें बुद्ध साहित्य को पढ़ने में आप सहयोग कर सकते हैं, बुद्ध साहित्य को मनुष्यों लोगों तक पहुंचाने में आप सहायता कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इससे क्या होगा, हम धम्म कार्य में सहयोग कर रहे हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष धम्माचरण, इससे हम बदल सकते हैं, वास्तव में हमें परिवर्तन के लिए यह मदद करता है। क्या करता है धम्म कार्य, क्या है हमारा, पूजा करना, वंदना करना, प्रत्यक्ष शरणगमन है, पाप देशना है, पुण्यानुमोदन है, इत्यादि हमें परिवर्तित कर सकते हैं। धम्म का उद्देश्य ही मानव का परिवर्तन है, बार बार कह रहे परिवर्तन होना चाहिए, पुराने विचारों को छोड़ दिए, नए विचारों में आइए, परिवर्तन है, धम्म मानव के लिए है, भगवान बुद्ध भी कहते हैं और बाबा साहब ने भी कहा है, जितने भी हमारे मनीषी हुए सब कहते हैं कि धम्म जो है मनुष्य के लिए है, मनुष्य धम्म के लिए नहीं, मनुष्य धम्म के लिए नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि धम्म को उस बेड़े की तरह समझो जिससे हम दुख रूपी नदी को पार करना है, जिससे हमको दुख रूपी नदी से को पार करना है, और जब आप नदी को पार कर लो तो बेड़े को वहीं पर छोड़ दो, बेड़े को अपने कंधे पर लेके मन जाओ, तो इस धम्म को हम बेड़े के रूप में लें और इससे हम मदद पाकर पार करने में मदद करता है, क्या फिर हमें उस पार क्या मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, मैत्री मिलेगी, करुणा मिलेगी, प्रज्ञा मिलेगी,
ये दूसरी छोर पर हमको मिलने वाले, वहां पहुंचने में हमें क्या, हमारा धर्म जो मदद कर रहा है, हम वहां तक पहुंच गए। हमें यह भविष्य में किसी जन्म में नहीं, इसी जन्म में और अभी मिलने वाले हैं, कहीं दूसरी जगह में हमको मिलने वाले नहीं है। इस प्रकार हम जो है धम्माचरण करके, प्रत्यक्ष धम्माचरण करके अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तीसरा है शीलाचरण से हमें परिवर्तन आ सकता है। भाई और बहनों बहुत अहम पॉइंट है ये। अगर हम वास्तव में बौद्ध धर्म में शिक्षित होना चाहते हैं, हम एक सच्चे बौद्ध बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि 100% हम बौद्ध बने, तो हमें शीलाचरण करना ही पड़ेगा। हमें जो है हिंसा त्यागनी पड़ेगी, हाँ, हमें जो है त्यागना पड़ेगा। इसमें अहिंसा का तत्व है, मैत्री को हमें बढ़ाना पड़ेगा। शोषण का सिद्धांत हमको लागू करना पड़ेगा, वहां शोषण हमें किसी का नहीं करना पड़ेगा। दान देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, हमें त्याग करना पड़ेगा, व्यभिचार से अलिप्त रहना पड़ेगा, संतुष्टि का पालन करना पड़ेगा। इसमें वासना और हिंसा दोनों का समावेश होता है व्यभिचार के अंदर। वो आप देख रहे हो क्या कल की जो घटना है मणिपुर की, आप देख सकते हो कितना जबरदस्त विभत्स एक घटना सामने आई है, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? कि हम जो है एक ऐसे समाज को डेवलप कर रहे हैं जहां पर शोषण है, जहां व्यभिचार है, जहां वासना है, जहां कलह है। असत्य को हमें छोड़ना पड़ेगा, अलिप्त रहना पड़ेगा, सत्यता का हमें व्यवहार करना पड़ेगा। मादक हमें नशों से दूर रहना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का हमें नशा नहीं करना पड़ेगा। ये पंचशील बौद्ध धर्म के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसको रोजाना दोहराना ही नहीं, बल्कि हमें अपने दैनिक जीवन में इनको उतारना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। सही मायने में हम अगर मानव प्राणी बनना चाहते हैं, तो ये हमें जो है पंचशील अपने जीवन में उतारने ही पड़ेंगे, हमें शीलवान बनना ही पड़ेगा। अन्य प्राणी की तरह हम नहीं रह सकते, उनसे बेहतर हमें रहना है। शील के बिना समाज जंगली जानवरों से भरे जंगल से अलग कुछ भी नहीं। अगर हमारे अंदर शील नहीं है, तो हम भी जंगल में रहने वाले जानवरों की तरह हैं। ये जो है शीलाचरण का मूलाधार है। शीलाचरण जो हमारे धर्म का क्या है, मूलाधार है, आधार है। इतना ही नहीं, शील संपूर्ण समाज का आधार है, संपूर्ण समाज का आधार है। हम सोच सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से। चौथा है, ध्यान साधना से भी हमें परिवर्तन आ सकता है, हम परिवर्तित हो सकते हैं। हमें ध्यान साधना करनी चाहिए, भले हम थोड़े समय के लिए करें, लेकिन हमें नियमित रूप से ध्यान साधना करने चाहिए। कभी हमें आनापानसति करनी चाहिए, कभी हमें मेत्ता भावना करनी चाहिए। जो जो ध्यान बताए जाते हैं, आपको बताए जा रहे हैं, यहाँ पर पांच ध्यान आपको बताए जा रहे हैं, आनापानसति ध्यान बताया जा रहा है, मेत्ता भावना बताई जा रही है, कायानुसति बताई जा रही है, बुद्धानुसति बताई जा रही है, उसके बाद चिंतन बताया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के चिंतन बताए जा रहे हैं। तो आप इन ध्यानों को करके अपने में परिवर्तन ला सकते। पांचवा जो बिंदु है परिवर्तन का, हम धम्म अध्ययन से भी परिवर्तित हो सकते। अगर हम धम्म का सही मायने में अध्ययन करेंगे, तो हम जो है परिवर्तित हो सकते हैं। और ये वास्तविकता है, हम जितना भी अध्ययन करेंगे धार्मिक किताबों का, हमारा मन परिवर्तित होता चला जाएगा। धम्म का अध्ययन हमें किसी मित्र और सहयोगी के साथ करना चाहिए जो हमसे ज्यादा जानता है, नहीं तो हम गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, गलत अर्थ लगा सकते हैं। इसलिए हमें अपना जो वरिष्ठ सहयोगी है, उसके साथ हमें जो है अच्छी तरह से गहराई से उसे समझना है, स्वयं आचरण करना है। इस प्रकार साथ रहकर अध्यापन करने से हम प्रज्ञा विकसित कर सकते हैं, सच्ची विपस्सना विकसित कर सकते हैं, स्वयं सच्चा ज्ञान दर्शन कर सकते हैं। बुद्ध ने जिस यथाभूत ज्ञान दर्शन कहा है, या वस्तु मात्र का सच्चा वर दर्शन कहा है। कुछ लोगों की धम्म अध्ययन के बारे में गलत धारणा है। वे सोचते हैं कि धम्म अध्ययन यानी इतिहास, गणित, भौतिक शास्त्र जैसे स्कूली विषयों को पढ़ना, परंतु धम्म का अध्ययन इससे कहीं अधिक आनंददायक है।
जब हम धर्म का अध्ययन करते हैं तब हम स्वयं का अध्ययन करते हैं, हम अपना अध्ययन कर रहे होते हैं, हम अपने जीवन को पढ़ रहे होते हैं। धर्म हमें क्या पढ़ा रहा है, हमारे जीवन से परिचित करा रहा है कि हम कहां पर खड़े हैं। बार बार यही कहते हैं कि हम कहां पर खड़े हैं। देखिए, स्वयं के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, इस प्रकार धर्म का अध्ययन से हम जो परिवर्तित हो सकते हैं। छठा पॉइंट है इसके अंदर, सम्यक आजीविका हमारा परिवर्तन कर सकती है। हम सम्यक आजीविका से हमारा परिवर्तन हो सकता है, जो भी हम कमाना चाहते हैं ऐसी बात है जो हम रोजाना करते हैं, इसलिए हमारे काम का हमारी आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें गलत कार्य से आजीविका नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं कमानी चाहिए, गलत आजीविका में लिप्त नहीं होना चाहिए, सम्यक आजीविका में लिप्त होना चाहिए। सम्यक आजीविका यह आर्य अष्टांगिक का पांचवा अंग है। और आप बौद्ध हैं, आप बौद्ध बनने की श्रेणी में जा रहे हैं, तो आपको आर्य अष्टांगिक मार्ग समझना ही पड़ेगा, उसे अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। तो ये जो पांचवा अंग है, जिसका बौद्ध होने के नाते हम सभी को आचरण करना चाहिए। अपनी आजीविका शुद्ध होनी चाहिए, प्रशंसनीय होनी चाहिए, हमारी सेहत को नुकसान देने वाली नहीं होनी चाहिए, आजीविका से किसी प्राणी का नुकसान नहीं होना चाहिए, चरित्र को खराब करने वाली आजीविका नहीं होनी चाहिए। वास्तव में पंचशीलों पर आधारित हमें जीविका कमानी चाहिए। अगर हम किसी कारणों से गलत आजीविका में लिप्त हैं तो उसे छोड़ देनी चाहिए। सम्यक आजीविका से हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन हो सकता है। भाई और बहनों, सातवां जो पॉइंट है हमारा, अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो हमें संपर्क करना पड़ेगा। संपर्क से हमारा परिवर्तन हो सकता है। संपर्क का मतलब है दूसरे इंसान से बातचीत करना। मात्र इंसान से बातचीत करनी है, मनुष्य से बातचीत करनी है, आपको किसी जाति से नहीं करनी है, किसी वर्ग से नहीं करनी है बातचीत, किसी विशिष्ट देश के निवासी से बातचीत नहीं करनी है, किसी विशेष पहचान वाले से बातचीत नहीं करनी है। इसका अर्थ है उससे सत्यता से ममता पूर्ण बातें कर। हम क्या देख रहे हैं, हम पहले कुरेदते हैं, हम क्षेत्रवाद देखते हैं, ये महाराष्ट्र का, ये यूपी का, ये गुजरात का है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं। उस हिसाब से समानता का भाव हमें पैदा करना है, समानता का भाव रखते हुए, जिससे हमारे अंदर सामंजस्य जो है स्थापित हो जाए, एकता हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, हमारे अंदर मित्रता पैदा हो जाए। इससे इंसान को इंसान के तौर पर विकसित होने में मदद मिलती है, अन्यथा हम जो है संकुचित दृष्टिकोण के बन जाते हैं। ये फलानी जगह का है, ये है, ये इस वर्ग से है, और वहां पर अतिगंड, मध्यमगंड या न्यूनगंड पैदा हो जाते हैं और हम अपना विकास नहीं कर पाते। यदि हम इस प्रकार संपर्क करते हैं तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, हमारा लोगों के प्रति बदलाव हो जाएगा, तब हमारा व्यवहार वास्तव में मानवीय व्यवहार होगा, इससे हमारा परिवर्तन हो सकता है। और अंतिम जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, धम्म शिविर में हमारे परिवर्तन में मदद कर सकते हैं। धम्म शिविर हमारे जो है परिवर्तन में मदद कर सकते हैं। भाई और बहनों, बहुत ही अहम पॉइंट, धम्म शिविर हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम किसी शांत एकांत जगह पर दो या दो से अधिक धम्म बंधुओं के साथ जाकर सप्ताह भर, 15 दिन, महीने भर या इससे अधिक दिनों तक इकट्ठे रहते हैं, उसे धम्म शिविर कहते हैं। यहां हम एक साथ धम्माचरण करते हैं, पंचशीलों का पालन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, धम्म का अध्ययन करते हैं, सम्यक आजीविका का आचरण करते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं। इस तरह शिविर के दौरान हम बदलने वाली सारी बातें एक जगह पर मिल जाती हैं। जब हम धम्म शिविर में जाते हैं, जो हमारे परिवर्तन में परिवर्तन करने वाली जो बातें हैं, सारी एक ही जगह पर मिल जाती हैं। यहाँ सबसे अधिक परिवर्तन होता है।
शिविर में जाने वाले लोग वास्तव में बदल जाती है। जब आप शिविर में जाते हैं तो हम क्या होते हैं, 50% बौद्ध होते हैं या 75% बौद्ध होते हैं, लेकिन जब हम शिविर से निकलते हैं उस समय हम पूरे 100% शत प्रतिशत बौद्ध होते निकलते हैं, तो शत प्रतिशत बौद्ध होते हैं। धम्म शिविरों में जाने का मतलब है 100% बौद्ध बनना, स्वयं का परिवर्तन, स्वयं का विकास, इसका मतलब है सच्चा बौद्ध बनना। यही तो बाबा साहब चाहते थे, यही तो बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि उनके अनुयायी तोते की तरह पंचशीलों का रटें, पंचशीलों का मात्र उच्चारण करें। वे चाहते थे कि वे वास्तव में बदले, संपूर्ण समाज बदले, संपूर्ण समाज बदले, वास्तव में लोगों की प्रगति हो, विकास हो, वे आनंदी हों और दुखों से मुक्त हों, उनकी मुक्ति ही, यही तो बाबा साहब चाहते थे, यही तो भगवान बुद्ध चाहते थे। अपने बुद्धत्व के बाद बुद्ध ने यही तो किया, मानव को दुखों से मुक्त कर आनंददायी जीवन के लिए प्रेरित किया, बुद्धत्व के लिए प्रेरित किया, संबोधि की तरफ अग्रसर किया। ऐसे मानव को जो परिपूर्ण रूप से आकंठ